तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तेनू रब मनया, कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तेनू रब मनया, असिया ना मान दिलदारा, असां ते तेनू रब मनया। सत्संग जी प्यार से कहना धन्य। ओ सब को कुटुंब परिवार रखे, राज खुशे माँ हैस दुखेला तू घर बार रखे, राज खुशे माँ गरीब नवाज, हे सत्ताजे गरीब नवाज, हे सतगुरु सब को कुटुंब परिवार रखे, राज खुशे माँ हैस दुखेला तू घर बार रखे, राज खुशे माँ गरीब नवाज, हे माता जी गरीब नवाज, हे सतगुरु हर दिन हर बार घर घर माँ त्योहार रखे, दिन हर बार घर घर माँ त्योहार रखे, कुशल मंगल सभी संतों को परिवार रखे, कुशल मंगल सभी संतों को परिवार, गरीब नवाज हे सतगुरु, गरीब नवाज हे सतगुरु, गरीब नवाज हे सतगुरु। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सरिता जी, हैप्पी बर्थडे टू। सासंग जी दो बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखो इस्लाम में लिखा है ना कि जब जो पांच प्राण है इस्लाम के, उसमें पांचवा हज भी है, और हज का शाब्दिक अर्थ है जो मैंने लगाया निरंकारी मिशन में आकर, मेरे ख्याल से ही सच्ची बात तो यही है कि हज का मतलब है हक को जानना। हक कौन है? परवरदिगार यानी परमात्मा, जा का मतलब जानना, और अगर परमात्मा को जान लिया तो फिर यही हज हो जाएगी। और अब इतनी दूर जाकर पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सच्ची बात यही, स्मार्ट होने का मतलब यही है, हमें रब का दीदार करना है, रब को पाना है, तो सदगुरु यानी कामिले मुर्शिद की शरण लें, क्योंकि जो बात दवा से नहीं बनती वो दुआ से बनती है, और जब कामिले मुर्शिद यानी सच के जानने वाले मिलते हैं तो बात खुदा से होती है, तो हम अपने जीवन को सफल बनाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संगत जी प्यार से बोलिए। आप देखिए सत्संगत, इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला ये महात्मा सदगुरु की पनाह मिली, सत्संगत कैसे रंग गए, और यही सत्संगत सदगुरु का विरुद्ध होता है। शरणी आए ते कंठ लगाए, जो इनकी शरण में आ जाता है उनको ही अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो दास ने जैसे निवेदन किया था, बहन सुभाष जी से पहले दास निवेदन करेगा हमारे बीच। ब्रिगेडियर सुभाष पवार जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं इनके चरणों में विनम्र निवेदन करूंगा, ये अपने दो शब्द यहाँ पर जरूर रखें और हम सबको आशीर्वाद भी दें, और इनके बाद बहन सुभाष जी दो मिनट अपने भाव समर्पित करें। स्टेज पर विराजमान महात्मा जी को छत छत नमन। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस फंक्शन में इतना कुछ जानने को मिल रहा है, और एक बार मेरा पहले भी सौभाग्य रहा है कि सदगुरु जी जी बाबा हरदेव सिंह जी के भी मैं वचन सुन चुका हूँ, किसी फंक्शन में गया था और उनके भी दर्शन हुए,
और कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव रहा हो। एक हमारे मेरी रेजिमेंट के एक ब्रिगेडियर साहब शमशेर सिंह मिन्हास वीर चक्र, वो निरंकारी मिशन से बहुत जुड़े हुए थे, बल्कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पूरा जीवन इसी सेवा में दिया। और खासकर जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में वो व्यवस्था करते थे ज़्यादातर, या रिमोट एरियाज में उन्होंने अपना जीवन व्यवस्था के लिए दिया। तो ये सौभाग्य है। वैसे मैं सिख रेजिमेंट से हूँ, तो मुझे वैसे भी पंजाबी से और सिखिज्म से और उन सब से थोड़ा बहुत लगाव है। और गुरु की जो गीता है, गुरु का जो रूप है, वही बताया गया है कि भाई गुरु ही प्रभु है और गुरु से। मैं विचार कर रहे थे कि सबसे पहले तो लियाकत जी को सुन के बहुत अच्छा लगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में डर रखना। मेरे ख्याल से मजहब का जन्म हुआ है जोड़ने के लिए, लेकिन हम अपनी पद्धति में इतना घुस जाते हैं कि हम सोचते हैं कि इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरी पद्धति सबसे बेहतर है, तो इसी वजह से हम थोड़ा बहुत टकराव में। वरना मैं, मेरी जो समझ है निरंकार में और इस्लाम में, ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का भी मतलब यही है कि भैया द गॉड इज ग्रेट, एंड जो पैगंबर साहब थे उनके मैसेंजर थे। अब समझ रहे हो ना, जो अल्लाह था उसके मैसेंजर थे, और जो निरंकार रूप है प्रभु का, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा ही समझ, ऐसा ही है ना मेरे ख्याल से, निराकार रूप है, मतलब जो पंजाबी में निरंकार, तो निराकार जो हम बोलते हैं, जो हमारी सनातनी भाषा है, वेदांती भाषा है, उसमें निराकार बोलते हैं कि प्रभु का निराकार रूप है, उसका कोई आकार नहीं है। और एक एक प्रार्थना है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक ओंकार सती नाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहेब गुर प्रसाद आज सच जात जगात सच है भी सच नान को से भी सच। तो भगवान नानक भी यही बोल के गए हैं कि भाई एक ही प्रभु है, उसका सच्चा नाम है, वो क्रिएटर है। एक ओंकार सती नाम सच्चा नाम करता पुरख, वही उसी ने सब कुछ बनाया है। निरपाव वो किसी से डरता नहीं, निडर है, और निर्वैर उसे किसी से वैर नहीं है। अकाल मूर्त समय से परे है, समय में बांधित नहीं है वो अकाल मूर्त है, समय उसको बांधता नहीं है। मौत जन्म ये सब आता रहता है, काल बदलते रहते हैं, वो इन सब का रचयिता है। अजूनी साहिबन, उसका जन्म जूनी से नहीं हुआ है, मतलब जो शरीर रूप में आ गया तो वो, और थोड़ा बहुत मेरा जन्म एक कार्य समाज परिवार में हुआ, तो उसका भी मतलब इसी से ही संबंधित है, वो भी किसी मूर्ति पूजा ये वो उस हिसाब से। मैं किसी भी किस्म की पद्धति के को समर्पित हूँ, मेरा कोई विचार नहीं है कोई पद्धति के बारे में बोलना, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने कि जिस रूप में तू मुझे भजेगा मैं तुझे उसी रूप में मिलूंगा, जिस रूप में भजेगा मैं तुझे उसी रूप में मिलूंगा। ये हमारी अपनी अपनी तीन जो अवस्थाएं हैं इंसान की, सात्विक राजसिक और तामसिक, उस पे आधारित है कि हम किस मिश्रण के साथ इस पृथ्वी पे आए हैं, तो उस पे सारा का सारा खेल आधारित है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सौभाग्य है कि आज इतने उत्कृष्ट सभा में मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिला, और महात्मा जी के दर्शन हुए और आप सबके दर्शन हुए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको सिर्फ इशारे की आवश्यकता है, बाकी तो आप पूर्ण ज्ञाता है, तो एक बार आप ब्रिगेडियर साहब के लिए क्लैपिंग जरूर करें। और सत्संग थे बिल्कुल, सिख धर्म ने तो गुरु परंपरा को बहुत सादगी से और बहुत विनम्रता से संसार को समझाने का प्रयास किया, और गुरु ग्रंथ साहब में जो 12 भक्तों की वाणी और 11 गुरु साहिबानों की वाणी है, उसने पूरी दुनिया को समझाया कि गुरु क्या चीज़ है। इसलिए साथ संगत दास ऐसा मानता है कि सिखिज्म को मानने वाला व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु को न माने। प्यार से बोलिए, तो दास जैसे निवेदन कर चुका है बहन सुभाष जी, ये बहन भी साथ संगत पूर्ण रूप से रंगे हैं, ये भी अपने भाव कुछ शब्दों के रूप में समर्पित करेंगे, उनके बाद हम सब समर्पित होंगे स्टेज पर बैठे महात्मा परम पूज्य भगवत प्रसाद जोशी जी, जो संत निरंकारी मिशन देहरादून ब्रांच के मीडिया प्रभारी है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया है सब ये सेवा मिशन की उत्तराखंड देहरादून की परम पूज्य भगवत प्रसाद जोशी जी को ही समर्पित है। बहन सुभाष जी अपने भाव समर्पित करें।
परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी और साथ में सभी अतिथि भाई सभी आए हैं, हृदय से उनका स्वागत करती हूँ। और बहाना बना सरिता जी के जन्मदिन का, अब भाग्य है इस क्लिनिक के भी, ये जगह भी पवित्र हो गई जो आप सभी के यहाँ पर चरण पड़े। कई बार मन में भाव आया कि सत्संग कराया जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब उद्घाटन हुआ यहाँ का तब भी आशीर्वाद मांगा लेकिन इजाज़त नहीं मिली। कहते कि मांगे से मोती नहीं मिलती, बिन मांगे सत्संग सब कुछ मिल जाता है। आज ये जो सबसे बड़ा इनके ऋणी हूँ दूस जोड़ी के, किस जोड़ी ने ये पुरस्कार किया मेरे ऊपर भी, और आप सभी को यहाँ पर इनवाइट करके हम सबको भी निहाल किया। दो लाइनें इस जोड़ी के लिए ही है, खासकर सरिता जी के बर्थडे की। इनके घर में खुशी आई है और दिल से हृदय से एक कामना और करती हूँ, झोली फैला करके मांग करती हूँ उस निराकार प्रभु परमात्मा से और स्वयं सतगुरु रूप विराजमान स्टेज पर, कि इस जोड़ी की गोद भरे और अगले साल हम इनके बच्चे का बर्थडे मनाएं। प्यार से बोलिए, घर में देखो कितनी खुशी है, आप सभी हैं आए, जैसे आया आज जन्मदिन बार बार ये आए। विश यू हैप्पी बर्थडे सरिता, हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे सरिता, हैप्पी बर्थडे। एक साल के बाद ये देखो जन्मदिन है आया, इस मौके के अवसर पर आप सबको है बुलवाया। एक साल के बाद ये देखो जन्मदिन है आया, इस मौके के अवसर पर सतगुरु को है बुलवाया। सतगुरु के ही आशीर्वाद से, सतगुरु के ही आशीर्वाद से नित सत्संग में आना, भाग भाग कर सेवा करना, प्यार सभी से पाना। विश यू हैप्पी बर्थडे सरिता, हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे सरिता, हैप्पी बर्थडे। और इधर से वचन आया है, एक भजन है जो जैसा भी है परवान करना, और जो भी त्रुटि हो जाए उसको बच्ची समझ कर माफ कर देना क्योंकि जब से प्रभु परमात्मा मिला है दुनिया भी चीज़ें सारे सुख मिले हैं, लेकिन जो आनंद इसको मिलकर मिला है वो आनंद कहीं पर नहीं है। तो इसी के उपलक्ष में भजन भी है, इसके ही रंग में रंग करके सभी मिलकर के साथ भी दें। माई रे माई हुआ अचंभा, देख गुरु की माया, दो तलियों के घेरे अंदर कुल संसार रचाया। मेरा सतगुरु है भगवान, तू चाहे मान चाहे ना मान। मेरा सतगुरु है भगवान, तू चाहे मान चाहे ना मान। एक हाथ है धरती इसका, एक हाथ है अंबर, विचर रही है सारी सृष्टि दो तलियों के अंदर। एक हाथ है धरती इसकी, एक हाथ है अंबर, विचर रही है सारी सृष्टि दो तलियों के अंदर। अजब निराली माया इसकी,
लिए। और अब दास निमंत्रित कर रहा है जिस जोड़ी की वजह से आज इस परिवार में हम सब बैठे, ये जोड़ी आ जाए और दो शब्द अपने लिए आज सदगुरु से मांगे और साथ संगत इनके बाद हम सब समर्पित होंगे पूज्य भाई साहब जोशी जी के चरणों में। सबसे पहले तो मैं सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से, आप सब लोग हमारे बीच में आए अपना कीमती समय निकाल करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना, मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं सुंदरकांड और पंडित हूँ, मैं तो मैं उसी से एक दुआ बोलना चाहूँगा। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू, आपके चरण पढ़ने से हमारा जन्म, सम दोनों का जन्म आज सफल हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और इस तरह से जो हमने हम सबको आशीर्वाद दे कि हमारा जन्म सफल हो और आगे जो हमारी सारी इच्छाएं वो पूरी करें, बल्कि आप सभी की इच्छाएं पूरी हो। सात संगत जी प्यार से बोलिए, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। गुरु की साजी नवाजी, गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, पूजा मूलम गुरुर पदम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्य मे श्री गुरवाहे नमः, तस्य मे श्री गुरवाहे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर जो कर न सके, मेरा सतगुरु करे सो होई। तुत आगे अरदास मेरी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नौ न जाने मेरा। सात संगत हमें कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले हम सब बुझे वे दिए थे, तेरी रोशनी से पहले। ज्ञानंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा से संत बेटिया, नानक मन पर कास। पुण्य पुण्य पुंज मिले नहीं संता, संत मिलई संशय कर अंता। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आग लगी आकाश में झर झर झरे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। सात संगत जहाँ पर भी जाकर के इस प्रभु परम पिता
परमात्मा की बात करने का जब भी मौका मिलता है तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चाओं में, जहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े धर्म मठ मठांतर, बहुत विद्वान शास्त्रों के ज्ञाता, जहां पर भी बात होती है तो सब एक बात कहते हैं कि जहां शांति है वहां परमात्मा है। सब यही बात कहते हैं कि जहां शांति है वहां परमात्मा है। अब हमने विचार करना है, ये दो हो गई, एक तो शांति है और एक परमात्मा है। अब हमने विचार करना है कि हमारे जीवन में पहले शांति आई या परमात्मा आए, क्योंकि परमात्मा के बगैर तो शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि शांति का स्रोत परमात्मा है जो निराकार है। आकार में विकार होते हैं लेकिन निराकार निर्गुण है, शाश्वत है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, अनंत है, बेअंत है, शाश्वत है, कायम दायम है, अंग संग है, तन बिन परस, नजदीक है, करीब है, जितने करीब खुदा है इतने करीब कोई नहीं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी, ना हूँ मैं कैलाश में। बाबा जी एक बात बहुत सुंदर समझाया करते थे, दास प्रयास करेगा, ये तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हम सब के ऊपर कृपा है। डॉक्टर साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं, और वाकई में आपको तो सदगुरु ने, परमात्मा ने ऐसा नूर दिया है कि पेशेंट आपको देखते ही ठीक हो जाता है। सत्संग ये भी गॉड गिफ्ट होती है, क्योंकि सत्संगत रोते रोते आए, हमें हंसना सिखाया। ये हंसना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है, जिसको सदगुरु ने आसान कर दिया। साथ संगत इस मुस्कुराहट को, इस खुशी को हमारे जीवन में सदगुरु ने, साथ संगत और डॉक्टर, फिर जहाँ डॉक्टर नाम आ जाता है, एक आदमी भागे भागे सुबह सुबह डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। डॉक्टर साहब ने कहा सुबह सुबह क्या खा लिया, कहना सुबह सुबह एक कच्ची रोटी खा ली। उसने कहा अंदर जाके लेट जाओ चारपाई में, बेड में। और वो पेशेंट गया, वहाँ लेट गया, आप डॉक्टर साहब गए, उसकी आँख में दवाई डालने लगे। वो कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में दर्द है, आप आँख में दवाई क्यों डाल रहे। कह रहे इसलिए डाल रहे कि कल को तुझे कच्ची रोटी दिखाई तो देगी। आँख के आगे राम खड़ा है, फिर ना आँखें खोले तू, झूठ है तेरी सारी करनी, झूठ का सौदा जन्म तेरा, बातों में ही बीत गए। ओछी माता मद माता, मिलन ना जाए भरमंदड़ा, कहो नानक हरि साजन, सबके निकट खड़ा पर, बिन गुरु नहीं सोजे। बिन गुरु भवानी दी तारा ही नहीं कोई, सो बिरन इंसान तो ब्रह्मा विष्णु शंकर महादेव जैसा भी क्यों ना हो जा, गुरु बिना गत नहीं, साहा बिना पत नहीं। सात संगत सतगुरु की बड़ी कृपा है। बहुत बहुत मिश्रा जी आप जोड़ी को बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन को सफल बनाने वाले ये संतों की टोली यहाँ पहुँची है। कितने दूर दूर से आप यहाँ पहुँचे हैं। संत मिलन को जाइए तज मन का अभिमान, अर ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सत्संग में आना कोई इतना आसान थोड़ा ना। अभी सभी ने कहा कि ये सर आवत अति कठिनाई, हर राम कृपा बिनु आई न जाई, अति हरि कृपा जासु पर होई, पाँव धरई यही मारक। जब जब आए तो कदर न करते, मरे तो पीछे पड़ते हैं, गए अवतार मन के मूर्ख आज भी मन की करते हैं। आजा रामा आजा श्याम, गढ़वाली है, ब्राह्मण है, पूरे दादा नाना विरती करने वाले हैं। दास ने पंडताई करी, 83 में निरंकारी मिशन से जुड़ा, आंखें खुल गई। ये भगत कह क्या रहे हैं, भक्ति पथ कबू नहीं प्रयासा। गोस्वामी तुम
तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, हम कर क्या रहे, रोज हम लगे हुए हैं साथ संगत, भक्ति पथ कबो नहीं प्रयासा, जप तप मख व्रत नहीं उपवासा। अरे भाई ये भक्ति नहीं है? मैंने कहा हम तो यही सब कुछ कर रहे थे। आस्तिक चराचर जगत में भक्ति का बहुत महत्व है, लेकिन कुछ लोग यही समझते हैं कथा कीर्तन भागवत जागरण पूजा पाठ जप तप योग व्रत नियम धूप दीपाणा हवन दान यज्ञ ये सब करने से भगवान खुश होंगे और हमें दर्शन देंगे। आज तक तो दिए नहीं साथ संगत, किसको वे दर्शन? जिसने गाया उसने नहीं पाया, जिसने पाया उसने गाया। मीरा ने पाया तो दुनिया को बोल दिया, पायोरी में तो राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक, दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। लागो रे गुरु लागो रे मक्खन सा व्यापारी, जहाज लेके आ रहा पानी का, बेड़ा डूबने लगा आंधी तूफान आ गई, ज्ञानवान नहीं था भौतिकता वाद में पड़ा हुआ था, और जब सारे भगवान याद का हकीकत बात है, और जब सारे भगवान याद कर लिए लेकिन जहाज डूबने के कगार पर चला गया। आखिरकार उसने अंतर ध्यान में याद करा, हे सतगुरु तू जहाँ भी रूप में भी है मैं तेरी 500 सरफियाँ भेंट चढ़ाता हूँ, मेरा बेड़ा पार कर दे। और जहाज पार हो गया। उसने कहा आप डूबू कहाँ, 3.5 लाख गुरु हिंदुस्तान के अंदर बने हैं बैठे हैं, महाकुंभ चल रहा है, कैसी कैसी भक्ति हो रही है, शरीर को गलाया जा रहा है, शरीर को धरती में गाड़ा जा रहा है, एक हाथ यूं है तो कई सालों से यूं है, एक पैर यूं है तो यूं है, जटा पाली है तो पाली है, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आग में चल रहे हैं, नग्न होकर जीवन किस तरह से लगे हुए हैं। साथ संगत उसके मन में ये आया कि मैं ढूंढता हूँ। जब वो जाने लगा उसने कहा मैंने तेरा बेड़ा पार करा, कहीं 10 चढ़ाए कहीं 20 चढ़ाए, लगा रहा कई साल लग गए ढूंढने में साथ संगत, और जब उसको पता ही नहीं चला, कोई कह रहा मैंने तेरा बेड़ा पार करा, मैंने करा उसने करा, कहीं कितने चढ़ाए, अंतकार किसी ने कहा ओ सामने गुरु तेगा जी हैं वहाँ जाओ। जब वहाँ गया 200 सरफी चढ़ाने लगा, गुरु तेगा जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे मक्खन साहा 500 का वादा किया था और 200 चढ़ा रहा, और वही विश्वास साथ संगत मजबूत हो गया, और साकार सतगुरु ने अपनी पीठ दिखाई, रस्सी के निशान संगत बेड़ा पार करा। तब उसने आवाज दी गुरु लागो रे आज ये निरंकारी भगत। अभी सेमवाल जी ने बोला कितना बढ़िया साथ संगत, इंजीनियर हैं ये भी साथ संगत काम करते हैं, मैं भी वर्कशॉप चलाता हूँ 83 से काम करता हूँ, सतगुरु ने साथ संगत, हमारी डॉक्टर साहिबा बैठी है, राजेंद्र जी बैठ के, एक बच्चे किस किस का नाम ले साथ संगत, गृहस्थ में रह करके हम सबको जीवन दान दिया है, सतगुरु की असीम कृपा है, आप संतों की बहुत बड़ी कृपा है कि भक्ति पथ कबू नहीं प्रयासा, जप तप मख व्रत नहीं उपवासा। तो भक्ति क्या है भाई? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग नहीं पावई प्राणी। हे इंसान जब तक सत्य तेरे जीवन में नहीं आया, सत्य क्या है? परमात्मा है, जिसके नाम अनेक हैं, काबा काशी एक है, एको राम रहीम, और मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीव। जैसे बाबा जी वो समझाया करते थे, एक कॉलोनी थी, कॉलोनी में पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, थोड़ी सी ऐसे भी है, बाबा जी का तरीका अलग समझाने का था। वो कह रहे थे मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, वो कहने लगा नहीं तुम्हारी एक नहीं चलेगी, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई आपस में, गांव मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए, सब ने कहा भाई ऐसा है कि आप झगड़ क्यों रहे हो आपस में, कह रहे जी ये कह रही है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगे, वो कह रहे नहीं मैं इंजीनियर बनाऊंगी, कहना बेटे को बुला लो और उससे पूछ लेते तूने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना। तो वो दोनों के दोनों कहने लगे कि बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, यानी जब तक हमारे जीवन में कोई आया ही नहीं तो हम प्यार किससे करेंगे।
इकरार किससे करेंगे? आरती हम गा रहे हैं, सरदा भक्ति बढ़ाओ। आगे है उसका जवाब काय के लिए, संतन की सेवा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हरि ओम जय जग। आज ज्ञान लेने के बाद, ये समझ लेने के बाद जब आरती गाते हैं तो एक एक शब्द समझ में आ गया। ब्रह्म के भीतर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, लिखा जो भीतर कभी ना माने व्यर्थ में समय गंवाती है। पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम न आएगा, और बिना गुरु के ज्ञान न उपजे पढ़ पढ़ उमर, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए। 500 साल पहले कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी कि जन्म तेरा बातों में ही बीत गयो रे, तूने कबहू नहीं राम कयो, 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, और मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी कबू नहीं तृप्त भयो, विरध भयो आलस उपजियो, कंठा त्रिष्ट भयो कबीरा, साधु की संगति कबू नहीं कीनी, वीर था जन्म गयो, जन्म तेरा बातों में ही बीत गयो, मानुष तन दुर्लभ है होत न बारंबार, और जो फल फाकी भुए गिरे बौरी न लागे दार। साधन धाम, ये शरीर एक सिर्फ साधन है काय के लिए, धाम मोक्ष करे द्वारा, मोक्ष के द्वार तक जान, जैसे नाव है, नाव एक साधन है हमने नदी पार, हवाई जहाज एक साधन है अमेरिका जाना है, ट्रेन एक साधन है हमने कहीं भी जाना है, गाड़ी है, हर चीज है, साधन छोड़ना पड़ता है। ऐसे ये शरीर है जो हमें बड़े भागों से मिला है, किस लिए मिला है ये सदगुरु बताते हैं, नाउ वन बिलीव वन बी वन, एक को जानो फिर एक को मानो फिर एक हो जाओ। कैसे? अब हम पूजा करते थे, हम मानने वाली पूजा करा करते थे, मानने वाली, मानो, मान लिया, फटाफट मान लिया उसने, क्या कैसे? एक पढ़ा लिखा परिवार था, पूजा चल रही थी, एकदम उनका फोन आ गया, उन्होंने कहा बेटे आप बैठ जाओ पूजा में, वो बैठ गया, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा लिखा बड़ा होशियार था। अब जब उधर उस्ताद जी ने पूजा शुरू कराई, कहा कि जरा गोबर लाओ, गौशाला से गोबर लाए, उनका हाथ जोड़ो जोर के बोलो गणेशाय नमः, बच्चा मतलब इंग्लिश स्कूल का पढ़ा लिखा था बड़ा होता, उसने कहा ये क्या है भाई साहब, उसने कहा ये गणेश भगवान है, हाथ जोड़ो, कहना अच्छा इतना मेरी गाय का गोबर है आप करें, कहे तुम मान लो ना तुम्हारा क्या जा रहा, मान लिया। अब आटा लिया, आटे के स्टार बनाए, स्टार बनाए, किरणें बनाई खूब, कह रहे हाथ जोड़ो बेटा, उन्होंने हाथ जोड़ा, कहना ओम सूर्य देवाय नमः। अच्छा बच्चा इंग्लिश स्कूल का पढ़ा लिखा था, यही एशियन स्कूल है ना बगल में, पढ़ा लिखा था, उसने कहा जी ये क्या है भाई साहब, उसने कहा सूर्य देवता, उसने कहा ऐसे तो 0 पॉइंट का बल्ब नहीं जलेगा, तुम कह रहे सूर्य देवता, कहने तुम मान लो ना तुम्हारा क्या जा रहा। अच्छा उसने कहा बहुत होशियार था वो, इंग्लिश स्कूल का पढ़ा लिखा था। अब उन्होंने नाले का धागा लिया और छोटा करा और छोटा करा, बेटा हाथ जोड़ा, कहना ओम वस्त्राणी नमः, उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या, कहना भगवान के लिए कपड़े, कहना ऐसे तो रुमाल नहीं बनेगा, तुम पैंट कमीज क्या बनाओगे, कहने तुम मान लो ना इंग्लिश स्कूल का पढ़ा लिखा। अब आई जब दक्षिणा की बारी, उसने भी एक कागज मरोड़ा 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 और उस्ताद जी के हाथ में रखा, कह राम दक्षिणी नमः। अब उन्होंने कहा भाई ये क्या है, कहना ये 500 का नोट है, उसने कहा अच्छा दिन में ही मेरा बना रहा, कहना जब तुमने सारे भगवान मनवा के पुजवा लिए तो तुम भी मान लो कि ये जो है 500 का नोट है। जगना जाने भक्ति क्या है, अब जरा भक्ति के रास्ते पे आ जाते हैं कि जगना जाने भक्ति क्या है, और हरि को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिजाना भक्ति है, भक्ति क्या है, गुरु रिजाना भक्ति है। किस किस का नाम ले, किस किस का नाम कर, रत्नाकर जी दस्युराज, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। दास कहता है दुनिया को, अरे
कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए और ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए साथ संग। एक बार समझ तो लो, सौदा तो लो, पहले सौदा लो साथ संग। मैं तो कह रहा ये इतने भाग्यशाली है मिश्रा जी, आप तो वाकई में मिश्री के भंडार हो, वाकई में साथ मिश्री है ना। मिश्री ऐसी चीज है, पानी में खाओ, दूध में खाओ, जिसमें भी डाल दो मिट्टी, हर समय, हर समय मिश्री। कहते हैं तीन तरह के आदमी होते हैं, एक पत्थर की तरह होते हैं, वो बहुत सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं, आ मजा आ गया, आ जी वहाँ गए थे, बहुत अच्छा। देखो जी आज जितना कुछ भी हमने बोला, ये भक्ति हमें भ्रम था कि हमने कहीं जाके भागवत सुन ली, कई घंटे का हमने कोई प्रवचन सुन लिया, हम सोच रहे हमारी भक्ति हो रही है। अरे सारा भ्रम है भाई, भक्ति उसकी हो रही जो बोल रहा। आज भक्ति मेरी हो रही है जो आप सुन रहे हो, आपकी नहीं हो रही। आप जब बोलोगे गुणगान कर विमल यश तरह ही बिन प्रयास, पवित्र रामायण कह रही है, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याता, जा कहे अवतार गुरु से मिलकर। देखो बात आई गुरु से मिलकर, यश हरि का गाता जा, कितनी सुंदर बात लिखी हुई, कितनी सुंदर बात लिखी। भक्ति है क्या? गुरु क्या करता है? गुरु दिखावे, और गुरु ने ही जो कर्म बताए, असली बात बताए ना, भांति भांति के भाषण देकर प्रभु का दर्शन कराए ना। गुरु नहीं जो खांदा जाए टरकांदा जाए, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए, आंख से देख कर कान से सुनकर फिर इसका एतबार करो। हमने तो वैसा 13 साल निरंकारी मिशन में दास ने सेवा करी, हल्पे बयान दे रहा हूँ, किसकी बात करें, गरुड़ पुराण की बात बहुत सुनाई। गरुड़ पुराण किसको सुना रहे, जो है ही नहीं उसके लिए गरुड़ पुराण थोड़ा ना, गरुड़ पुराण तो हमारे लिए है। जो चला गया, कहाँ गया, कहाँ से आया था, किस काम के लिए आया था, तू है यहाँ मुसाफिर, ये देश है बेगाना, और आया है तू कहाँ से और तुझको कहाँ है जाना। उल्फत में जो भी गुजरे अच्छा यही सफर है, क्यों खुद से बेखबर है, गफलत में सोने वाले क्या तुझको ये पता है कि मंजिल तेरी किधर है। अभी याद कराया सात संगत हमारे जो वो थे समाज कल्याण विभाग के, अभी नाम दिया था भाई साहब ने दिल्ली से, क्या नाम दिया था आपने, ब्रिगेडियर शमशेर सिंह जी, शमशेर सिंह जी, उनके साथ सेवा करी है हमने, साइंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के, उनको उनकी बात अगर बताने लगूँ तो सुबह हो जाएगी, मैं बोलता रहूँगा आप घर चले जाओगे, इतने लंबा इतिहास है उनका। सैनिक ऑनलाइन सत्संग चलती है हमारी, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, दास एक्सेस कोड नंबर देगा आपको, आप सुनना, कर्नल जर्नल बॉर्डर, बॉर्डर में जो हैं 2 घंटे की संगत चलती है, लद्दाख -20 डिग्री टेम्परेचर, पूरे जितने भी पूरे यानी आपके देश विदेश में जो हमारे सैनिक, जो हमारे फौजी महात्मा फौजी संत जो देश की भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भौतिकतावाद के साथ आध्यात्मिकतावाद को दोनों को लेकर चल रहे हैं। आप देखेंगे 5 से 7 बजे तक होती है संगत, बहुत क्रीम संगत होती है। तो गुरु क्या करता है? गुरु दिखावे, गुरु दिखाता है, गुरु मनावे, फिर दिखाने के बाद मनाता भी है। निर्गुण रूप सुलभ अति, निराकार को देखना बहुत सरल है, लेकिन सगुण ना जाना ही कोई, साकार को देख करके भ्रमित होते हैं। अब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कितने कितने भ्रम हो गए, 10वीं पातशाही गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बच्चों को दीवालों में चिपका दिया, कितने कितने अत्याचार, तेग बहादुर जी का शीश काट दिया, क्या क्या नहीं हुआ, सूली पे चढ़ा दिया, मोहम्मद साहब को मार मार के मक्का से मदीना भेज दिया, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज को गोलियों से भून दिया, जब आए तो कदर न करते, मरे तो पीछे पड़ते हैं, कहे अवतार मन के मूर्ख आज भी मन की करते हैं। मिश्रा जी आपको बहुत 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 बधाई, सारी धरती कागज करो कलम करो बन राय, सात समुंदर मसीह करूं फिर भी गुरु गुण लिखा ना कहा ना जाए, नियति 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 नियति, ये तो सतगुरु की कृपा है,
कनेक्शन पावर हाउस से है तो बल्ब जल रहा है, जीरो पॉइंट का भी जल रहा, हैलोजन भी जल रही और बड़ी बड़ी मरकरी भी जल रही। अगर एक छोटा सा फ्यूज है सत्संगत, अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आओ हम सब मिलजुल करके आज इस जोड़ी के लिए प्रार्थना करें, याचना करें। हे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, हम सब बच्चे आपके चरणों में जोगड़ी करते हैं, विनती करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे दातार मेहर करना, चढ़ती कला में रखना, अपने ज्ञान के रंग से रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग मांगू ना लाल और पीला रे, रंग मांगू ना हरा और नीला रे, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। जिस तरह से चेहरे का नूर है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, साथ संगत को बुला कर के सदगुरु आपको आगे रख कर के अरदास की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। एक एक भगत, एक एक संत ने ये सुंदर प्रयास किया है। डॉक्टर हमारी बहन सुभाष चौधरी वाकई में सत्संगत चौधरी हैं, सदगुरु के चरणों में अपने आप को मिटाया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि वर्त वा कुछ बनना चाहे, दाना खाक में मिलकर के गुले गुलजार होता है। नहीं तो दुनिया के अंदर डॉक्टर हैं, डिग्री है, बहुत रुपया है, लेकिन डॉक्टर बन गया किडनी चोरने वाला, डॉक्टर बन गया आईसीयू में डेड बॉडी को रख कर के कि अभी सांसें चल रही है, जब पता चलता है कि ये तो 3 दिन पहले डेथ हो चुकी है। ऐसी ऐसी भयानक परिस्थितियां, स्थितियां, हैवानियत, जहां इंसानियत नाम की चीज़ खत्म होती चली जा रही है, मानवता कलंकित होती चली जा रही है, वही धरा धरती पर पूर्ण सदगुरु जब भी आते हैं, हम सबको एक ही पाठ पढ़ाते हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। क्या प्यार करेगा वो भगवान से, क्या प्यार करेगा वो ईमान से, जन्म लेकर के गोद में आया इंसान की, कर न सका प्यार वो इंसान से, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये जो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। वर्षों वर्ष से दास देख रहा है सुभाष बहन को, इसके जीवन में इनके नज़दीक जो भी आया उसको इसने ज्ञान के और सदगुरु के चरणों में लाकर के बैठा दिया। सह महात्मा दुर्लभ, ऐसे संत दुर्लभ होते हैं, ऐसे संत बड़े भागों से मिलते हैं। जब जन्म जन्म के हमारे जितने भी नित नियत नियम और कर्म किए होते हैं उसका फल मिलता है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, हर सो बिन संत ना काऊ पाई। ये जो फल मिलता है जिसको गरुड़ पुराण में लिखा है, इस फल को पीना है। पीवत भागवतम रस मालयम। अब फल तो खाया जाता है, उसको पिएंगे कैसे? इसको आँखों के रास्ते से पीते हैं, कानों के रास्ते से पीते हैं, जीवा के रास्ते से पीते हैं। सतगुरु ऐसी ही कृपा बना के रखना, सबके जीवन में कोई कमी ना देना, कमी ना देना। ये जो जगह ली है जिन दयाल, जो भी दुखी तन से, मन से, धन से, हर परेशानी में यहाँ पर आए सच्चे पातशाह, आप ही डॉक्टर हो, आप ही दवा हो, आप ही दुआ हो। जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है। जब मिलते हैं कामिले मुर्शद तो बात खुदा से होती है। ऐसी शक्ति देना, ताकत देना इस बहन को, सुभाष बहन को, सच्चे पातशाह हाथों में वो सेवा की मेहंदी जो लगी रहती है, इसमें और इजाफा हो। इधर निरंतर बहन से संपर्क रहता है कि आज वहाँ प्रोग्राम कराना, आज वहाँ कराना। अब सच्चे पातशाह आपके चरणों में यही प्रार्थना है, जो भी आदेश उपदेश आपका आए
हम आपके इस कार्य में अपना योगदान मिलजुल करके देते रहें। फिर पुनः पुनः सरिता जी को, भाई साहब जी को बहुत बहुत दिल से बधाई। सच्चे पातशाह लंबी उम्र देना, निरोगी काया देना, मन मस्त हो, तन स्वस्थ हो, धन जबरदस्त हो, कोई कमी ना हो, कोई गमी ना हो, आपके चरणों के सेवक बने रहें। हर डिमांड पूरी करना है दीनदयाल। संतों ने प्रार्थना की है कि जो जो मांगे ठाकुर अपने, सो ही देवे। संतों के हृदय से जो भी वचन निकलते हैं, संत मिले साहिब मिले, अंतर रही ना रेख, हर मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। आप सब साधु बैठे हो, फरिश्ते बैठे हो, देवता बैठे हो। आज इस जोड़ी को आपने वरदान देना है, और वरदान कौन सा, जो बलि फिर पैगंबरों ने मांगा, जब पार्वती जी और शिव जी का शुभ विवाह केदारनाथ घाटी के त्रिजुगी नारायण मंदिर में हुआ, तो शादी के बाद दोनों ने, पति पत्नी ने हाथ जोड़ करके इस निराकार प्रभु के चरणों से वरदान मांगा। आज हम भी हाथ जोड़ करके यही वरदान मांगते हैं कि बारे 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 मांगहूं, एक बार नहीं, बार बार, बारे 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 मांगहूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग सेवा सत्संग सिमरन भक्ति का देना दान सारे सुख भी देना पर आए ना अभिमान। सुख सारी दुनिया के पा देना हम सब की झोली में, फिर भी मिलाए रखना संतों की टोली में, किसी को भी कोई कमी ना रहे, खुशी देना इतनी कि कोई गमी ना रहे। प्यारी सात संगत जी प्रेम से कहना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण, मैनू